नमस्कार, हमारा जो लेसन चल रहा है मानचित्र, कल मैंने करवाया था। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं। मानचित्र के तीन प्रकार थे, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। ये दोनों कल करवा दिए थे। आज जो मानचित्र बचा, एक है थीमेटिक मानचित्र। तीन नंबर जो मानचित्र है वो है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, वन, सड़क तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर ही इसका नामकरण जो किया गया है उसको थीमेटिक मानचित्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ये नामकरण जो दिए हुए हैं इन्हीं के कारण किए हैं। मानचित्र के घटक तीन हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी के सभी का अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे तो दूरी, सबसे पहले दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो है वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। अब ये कह सकते हैं अपने कि पैमाना किसे कहते हैं, या अपना जो प्रश्न आगे वाला बन रहा है, पैमाने से आप क्या समझते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और पैमाने के आधार पर मानचित्र भी दो प्रकार के होते हैं। पैमाने के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। पैमाने के आधार पर मानचित्र एक तो होता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र, और दो नंबर जो होता है वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों को देशों कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाली मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। आगे वाला कल अगली क्लास में करवाएंगे आपको। आगे जो करवाना है वो दिशा, प्रतीक, इनके बारे में आगे वाली क्लास में करवाएंगे। धन्यवाद।